एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर अगर मिल जाता है तो हमारा टारगेट पूरा होने में बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस आ जाती है और बहुत जल्दी हमारा टारगेट पूरा होता है, हमें कंपनी प्रमोशन मिलती है और हमारा जो लाइफ है वो हैप्पी गुजरती है। इसीलिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना और फिर उसको अपॉइंट करना से ज्यादा जरूरी 5 चीजें होती हैं। अगर आप ये 5 चीजें कर लेंगे तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को जाएंगे तो पहली बार में ही उसे एक पॉजिटिव कर देंगे और उसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने एजेंसी लेने के लिए, यानी अपनी कंपनी की एजेंसी लेने के लिए उसको कन्वर्ट कर देंगे। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जो कि आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने से पहले जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आपको ये 5 चीजें रेडी कर लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। पहली जो चीज है वो है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप अपने एरिया में अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 2-3 डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आपका ये कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकते हैं नहीं कर सकते, आपका टारगेट पूरा करने में मदद कर सकते हैं और क्या ये कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर निकालने होंगे एक एरिया में जहां पर आप नया डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चाहते हैं। एक के भरोसे मत रहिए, कम से कम 3-4 डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर लेके चलिए। इससे क्या होता है, आपको पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़ता है और एक ने अगर मना कर दिया तो दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी तैयार हो जाएगा। तो पहले से ही हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन नहीं होता और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाके एक अच्छा डीलर उसमें से चुन सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो है एनालिसिस ऑफ डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर। एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि आपने फाइंड आउट कर लिए 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर, अब आपको उनका एनालिसिस करना है, यानी उनकी मार्केट कवरेज कितनी है, क्रेडिट पर कितना लेते हैं, कैश पर कितना लेते हैं, पेमेंट उनकी कैसी है और उनका नेचर कैसा है, कितने दुकानदार, उनके पोर्टफोलियो में कितने अच्छे अच्छे होलसेलर रिटेलर जुड़े हुए हैं जो उससे प्रॉपर प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका मार्केट वैल्यू कितना है, उसकी आरओआई कितनी है, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस कर लेनी है। कुछ तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के जो लड़के हैं उनसे पता चल जाएगा, मार्केट से पता चल जाएगा, होलसेलर से पता चल जाएगा और आप अगर उस एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको भी काफी सारी डेटा। अब आपने डीलर फाइंड आउट कर लिया 3-4, अब उनसे मीटिंग करनी है तो मीटिंग से पहले अपना सेल्फ असेसमेंट करिए, यानी अपना खुद का देखिए कि आपका वो जो एरिया है उसमें आपका कितना प्रोडक्ट बिक सकता है, कितना बड़ा टारगेट आपका पूरा होगा कंपनी में, उस एरिया में कितनी सेल आ सकती है, कौन कौन से आपके प्रायोरिटी कस्टमर हैं, रिटेलर्स कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कौन से हैं, आपका प्रोडक्ट बेचने वाले कितने लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। इससे क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा कि इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा। तो सारा अपना मार्केट का जो भी एरिया है उसका डेटा प्रॉपर होना चाहिए कि कितनी सेल जनरेट हो सकती है, एक अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो उसको कितना फायदा होगा, आपको कितना फायदा होगा और सेल कहां कहां से आएगी और भविष्य में हम किस चीज पर वर्किंग करेंगे ताकि सेल और भी इंक्रीज हो जाए। ये सारी स्टडी आपको करनी होती है। अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो आपका काम बहुत ही तेजी से और जल्दी हो जाएगा। और इस चीज को आप लिख के भी रखिए, अपने पास डेटा शीट बना के रखिए ताकि आप उसका रिवीजन कर पाए जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने। चौथी जो चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, अगर ये आप पीछे की जो 3 चीजें कर लेंगे इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अब आपको अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसको चेंज करना है, उसको सही तरीके से करना है ताकि आप एक प्रोफेशनल लगे। अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव की ही पोस्ट में है, सबसे निचली पोस्ट में है, लेकिन आपका जो रुतबा है वो ASM से कम नहीं होना चाहिए, सेल्स ऑफिसर से कम नहीं होना चाहिए या कंपनी के किसी भी सीनियर से कम नहीं होना चाहिए, चाहे आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, चाहे बोलने का कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपका एटीट्यूड हो। पॉजिटिव एटीट्यूड काफी अच्छा होता है किसी से भी अगर डील करते हैं तो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा के रखिए। वो बढ़ेगा कैसे कि जितना डेटा आपने किया है उसको पूरा तैयार रखिए कि सामने वाला कुछ भी क्वेश्चन करता है तो हम उसका प्रॉपर तरीके से जवाब दे पाए, हमारे पास कुछ ऐसे सपोर्टिंग मटेरियल होने चाहिए जो हम उसको प्रेजेंट कर पाए ताकि उसका कॉन्फिडेंस हमारी बातों में और हमारी कंपनी में तेजी से बना रहे। अब आपको जाना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने, उससे पहले आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए,
कंपनी क्या मार्जिन देती है डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को, स्कीम क्या है, पिछले महीने क्या आई थी, क्या क्या स्कीमें चलती है, आगे आने वाले दिनों में क्या स्कीमें आ सकती हैं, ये सारा आपके पास डेटा होना चाहिए और अच्छी तरह से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको खुद ही याद करना पड़े, सामने वाला पूछ रहा है और आप सोच सोच के बोल रहे हैं तो वो समझेगा कि आपको खुद ही कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप ये भी डेटा रखिए कि अगर वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो उसको कैसे फायदा होगा, आपकी कंपनी से कैसे फायदा होगा, आपकी सेल्स टीम से कैसे फायदा होगा, ये सारी डेटा आपको रखना है। साथ ही एक अच्छा से कैटलॉग भी रखिए, एक साफ सुथरा कैटलॉग होना चाहिए। बहुत सारे मैंने देखे हैं, 99% देखे हैं कि वही फटा पुराना जो कैटलॉग होता है, दाग लगा हुआ, उसकी ग्लोइंग ग्लो इतना रहता नहीं, उसी को प्रेजेंट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पे। हमेशा कैटलॉग अच्छा होना चाहिए जो कि प्रेजेंट करें, और कैटलॉग प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एसक्यू के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एमआरपी, रिटेल, ये सारी डेटा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्हीं सभी में से आपसे क्वेश्चन करता है कंपनी के बारे में, कंपनी के कुछ सीनियर के नाम भी आपको पता होने चाहिए। अगर यहां पर आप एक चीज कर सकते हैं कि अगर आप नए हैं तो आप किसी भी सीनियर को दूसरे एरिया से बुला लीजिए, दूसरे एरिया से बुला लीजिए परमिशन लेके, और उसको अपने साथ रख लीजिए। क्योंकि एक एक्सपीरियंस जो आदमी होता है वो थोड़े से जवाब जो है अपनी तरफ से बना के देता है, जिससे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर संतुष्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा लग जाता है कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर उसे बनाने आया है वो नया है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उसकी सही बातों पर भी विश्वास नहीं करता। और उसकी जगह अगर कोई पुराना एम्प्लॉई है, सेल्स का पुराना खिलाड़ी है, तो वो कुछ चीजें झूठ भी बोलेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर विश्वास कर लेता है। इसीलिए अगर आप नए अपने ही कलीग को दूसरे एरिया का जो सीन मतलब काफी एक्सपीरियंस वाला हो उसको लेके जा सकते हैं अपने साथ। क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जा रहे हैं तो एक से भले दो होते हैं, दो तीन लोग अगर जा रहे हैं तो और भी अच्छी चीजें हो जाती हैं, जो चीजें आपके माइंड में नहीं आती वो दूसरे के माइंड में आती थी, कोई ना कोई आप उसको जवाब दे देता है, जिससे क्या है एक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अच्छी तरह से बन जाता है। और जब कई लोग जाते हैं तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी काफी अच्छी है, देखियो इतने सारे लोग मेरे पास आए हैं, यानी टीम इनकी काफी अच्छी है, कई एरिए में है, और दूसरे एरिए का भी इसको फीडबैक मिल जाता है, जिससे वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर आसानी से बन जाता है। आपकी 5 तरीके किसी भी डीलर को अपॉइंट करने से जाने से पहले रेडी रखिए और आपका 100% डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होगा, नहीं तो 99% वो पॉजिटिव होगा और आपको कोई ना कोई रेफरेंस दे देगा कि फलाना को आप बना दीजिए, अभी मेरे पास बहुत सारी कंपनी है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप इनके पास चले जाइए, इनको मैं कह दूंगा ये कर लेंगे, क्योंकि इनको एक अच्छी कंपनी की तलाश है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।